हाय गाइस, आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। गाइस, आजकल इंस्टाग्राम पर एक प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं तो कभी ब्लैक स्क्रीन आ जाता है, कभी वाइट स्क्रीन आ जाता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं और हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। गाइस, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। सो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हमने जाना है प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर में हमने सर्च करना है इंस्टाग्राम। सबसे पहले हमने करना क्या है कि प्ले स्टोर में इंस्टाग्राम को अपडेट करना है और इसको अपडेट करने के बाद हम बैक आ जाते हैं और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, जो सब मोबाइल में होता है, इस पर हमने क्लिक करना है और इसके बाद सी ऑल ऐप्स यहाँ पे क्या है, जो आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स हैं वो सब यहाँ पे शो होंगे। इनमें हमने इंस्टाग्राम को ढूंढना है। इंस्टाग्राम पे क्लिक किया और इसके बाद क्या है कि परमिशन जो है इसको हमने परमिशन को अलाउ करना है। अभी यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये सारे जो है कैमरा कॉन्टेक्ट ये सब नॉट अलाउड है, इसको हमने क्या करना है, अलाउ करना है। कॉन्टेक्ट इन सब को हमने अलाउ करना है। फाइल मीडिया और गाइस, इसको अलाउ करने के बाद क्या करना है कि बैक आ जाते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टोरेज एंड कैश। गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर हम इसको स्टोरेज वगैरह को हमने रिमूव करना है तो क्या है कि अगर आपने इंस्टाग्राम ओपन किया है फेसबुक से या लॉग ईमेल वगैरह से, तो सबसे पहले आप उसको ढूंढें। अगर आपके पास ईमेल है, अगर आपको पता है ईमेल, सो आप इसको क्लियर स्टोरेज कर दें, वरना इसको रहने देना है। पहले आप उसको फाइंड करें जो आपने पासवर्ड दिया है इंस्टाग्राम पर। सो हम क्या कर देंगे, क्लियर स्टोरेज, ये देखें ये सब क्लीन हो गया। अब क्या होगा कि आपके इंस्टाग्राम पे जो भी ईमेल वगैरह से आपने लॉगिन किया था वो दोबारा आपने डालना होगा। फ्रेंड वगैरह और फॉलोवर वगैरह वो सब उस तरह ही होंगे, लेकिन क्या है, जैसे अगर आप किसी इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करते हैं और दोबारा जब आप उसको लॉगिन करते हैं सो आपको वो ईमेल वगैरह देनी होगी। ये भी इस तरह कुछ हिसाब है। इसके बाद गाइस क्या है कि आपने अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करना है और रिस्टार्ट करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे सो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल 100% सॉल्व भी होगी। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।